हेलो एवरीवन दिस इज तृप्ति वेलकम बैक टू एन एंड आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स uh, करेंगे जो कि बेस्ट होंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी पर ओके सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉन गन टू अ स्क्रीन ऑफ टेलीविजन ओके मीन्स एक स्ट्रीम uh, है इलेक्ट्रॉन्स की एंड वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक टेलीविजन के स्क्रीन पर मूव हो रहे हैं ठीक है स्ट्राइक हो रहे हैं ठीक है मीन्स ये आपका एक टेलीविजन है एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बीम जो है इस टेलीविजन स्क्रीन पर स्ट्राइक हो रहे हैं द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द टेन माइक्रो एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट कितना हो रहा है टेन माइक्रो एम्पियर मीन्स आई की वैल्यू आपको गिवन है टेन माइक्रो एम्पियर तो माइक्रो को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे टेन पावर माइनस सिक्स से ओके दिस इज एम्पियर ओके नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द स्क्रीन एट एवरी सेकेंड मीन्स पर सेकेंड में वन टाइम जो है दैट इज वन सेकेंड वन सेकेंड में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है जो कि स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रहे हैं ठीक है मीन्स आपको यहाँ एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है एट टाइम टी वन सेकेंड ओके एंड आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन वन मिनट मीन्स वन मिनट में ओके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी आपको फाइंड करना है ठीक है तो पहले हम नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड कर देते हैं उसके बाद में हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस फाइंड कर लेंगे ओके सो so, हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया है आई इज इक्व टू क्यू बाई टी एंड क्वांटाइजेशन से क्यू इज इक्वस टू क्या होगा एन ई ओके ये हमने फॉर्मूला रीड किया है क्यू इज इक्वस टू एन ई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ओके एन ई बाई टी सो हियर आपको फाइंड करना है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक कितने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे वही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है ओके सो एन इज इक्वल्स टू यहाँ से एन को सब्जेक्ट करेंगे सो आई मल्टीप्लाई टी बाई ईर ई इज़ द बेसिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की बेसिक वैल्यू क्या होती है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन को ला ओके सो वैल्यूज पुट अप करेंगे आई आई के प्लेस पे टेन इंटू टेन पावर माइनस सिक्स एंड फोर्टी इट इज वन सेकेंड ओके एंड ई इट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन गोलम ओके कैलकुलेट करेंगे सो so, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हंड्रेड हुआ तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अप्रॉक्सिमेटली आएंगे n इज इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर थर्टीन ठीक है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे पर सेकेंड में ठीक है एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने स्ट्राइक किए यहाँ पर ओके अब आपने इस फॉर्मूले में I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी ठीक है यहाँ से आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन वन सेकेंड क्या फाइंड कर सकते हैं चार्जेस Q इज इक्वल टू आई टी हुआ यहाँ से और टी इज इक्वल टू वन वन सेकेंड पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है मैं Q की वैल्यू का आप कर सकते हैं आई की वैल्यू क्या है आपके पास टेन माइक्रो एम्पियर और टी फॉर वन सेकेंड ठीक है सो हियर टोटल चार्ज क्या हुआ आपके पास टेन माइक्रो एम्पियर दिस इज फॉर वन सेकेंड ये किसके लिए है वन सेकेंड बट यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछा है आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन वन मिनट ये हमने वन सेकेंड के लिए फाइंड आउट किया हम वन मिनट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है वन मिनट इज इक्वल्स टू सिक्सटी सेकेंड तो इसी इक्वेशन को आपको सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास क्या आया वन मिनट में मैग्नेट्यूड ऑफ चार्जेस ओके माइक्रो यहाँ पर क्या हुआ सॉरी यहाँ कुलम ठीक है चार्ज को हम कुलम से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट क्या होती है कुलम सो माइक्रोकुलआ एंड हेयर आल्सो माइक्रोकुल सो क्यूज इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड माइक्रो कुलम ये जो चार्जेस हैं ये टोटल चार्ज हैं इन वन मिनट ओके ये वन मिनट में है एंड दिस इज फॉर वन सेकेंड ठीक है एंड नेगेटिव यहां पर लेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स पे जो आपका नेचर है इलेक्ट्रॉन्स का नेचर नेगेटिव होता है इसीलिए आपको नेगेटिव साइन यूज करना ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू इज इक्वल्स टू टी स्क् प्लस फोर्टी प्लस फाइव फाइंड आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एट टाइम टी थ्री सेकेंड एंड एवरेज करंट भी फाइंड करना है आपको जीरो टू टू सेकेंड ओके तो देखो आपको इंस्टेंटेनियस करंट आपने स्टडी किया है आई इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ये होता है ठीक है क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ से डी बाई डी टी क्यू के प्लस पे क्यू की वैल्यू को पुट करिए टी स्क्वेयर प्लस फोर टी प्लस फाइव यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी सो टू टी प्लस फोर हुआ ठीक है स्क्वायर का क्या होगा टू टी प्लस फोर यहाँ फाइव कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया ठीक है अब t इज इक्वल टू थ्री सेकेंड यहां पर पुट क्या करना है आपको t इज इक्वल टू थ्री सेकेंड पे करंट की वैल्यू को फाइंड करना है ओके सो आई इज इक्वल टू टी के प्लेस पे थ्री पुट करेंगे सो टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस फोर एंड थ्री टू से सिक्स प्लस फोर टेन टेन एम्पियर करंट मीन्स एट अ टाइम थ्री सेकेंड आई विल बी टेन एम्पियर ओके एक पर्टिकुलर टाइम थ्री सेकेंड में करंट कि, कितना प्रो हो रहा है करंट की वैल्यू कितनी है टेन एम्पियर ओके इलेक्ट्रिक करंट की अब आई इंस्टेंटेनियस तो हमने फाइंड कर लिया अब आई एवरेज फाइंड करना है आपको ठीक है तो आई एवरेज क्या होता है आई एवरेज होता है डेल क्यू बाई डेल टी मीन्स चेंज इन चार्ज एंड चेंज इन टाइम ओके यहाँ से जो चार्ज है वो आपका जो फाइनल टाइमिंग है मीन्स जीरो टू टू सेकेंड मीन्स चार्ज एट टू सेकेंड माइनस चार्ज एट जीरो सेकेंड ठीक है मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल तो फाइनल टू सेकेंड है इनिशियल हमने जीरो सेकेंड से स्टार्ट किया एंड डिफ्रेंस बिटवीन टाइम सो जीरो एंड टू तो फाइनल टू माइनस ज़ीरो ठीक है यहाँ चार्ज टू सेकेंड पे कितना हो जाएगा तो इस इक्वेशन में आपको के प्लेस पे टू पुट कर देना है के प्लेस पे क्या पुट करना है टू सो टू स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ फोर इंटू टू एट प्लस फाइव ओके एंड जीरो पुट किया सो ज़ीरो प्लस जीरो प्लस फाइव ओके एंड टू माइनस ज़ीरो दैट इज टू स्क्वायर फोर प्लस एट प्लस फाइव एंड दिस इज माइनस फाइव ओके बाय टू प्लस फाइव माइनस फाइव कैंसल आउट सो वी हैव आई एवरेज इज इक्वल्स टू ट्वेल्व बाय टू एंड दैट इज इक्वल्स टू सिक्स एम्पियर ओके मीन्स करंट जो एवरेज करंट है दैट इज सिक्स एम्पियर एंड इंस्टेंटेनियस करंट है दैट इज टेन एम्पियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट डेंसिटी अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस इक्वल टू आर मीन्स एक सिलेंड्रिकल आपको कंडक्टर दिया हुआ है इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले तो एक कंडक्टर है और जिसका शेप क्या है सिलेंड्रिकल ठीक है उसका एक्सेस से जो रेडियस है दैट इज आर कैपिटल आर हैविंग रेडियस इक्वल टू आर ओके और करंट कैसे पास हो रहा है एक्सेस के थ्रू ओके मीन्स इस डायरेक्शन में फाइंड द करंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इस कंडक्टर की लेंथ के अलोंग आपको करंट फाइंड करना है द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस इज गिवन बाई आर ठीक है मीन्स एक्सेस से आपको आर डिस्टेंस पर एक कंडक्टर दिया हुआ है ठीक है एक आपको सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है इस जैसे इस तरह से आपने ये जो आर डिस्टेंस का इस सिलेंडर से एक रिंग कट कर लिया ठीक है ये क्या है आर डिस्टेंस हमें क्या करना है इस कंडक्टर के एक्सिस के अलोंग ठीक है ये एक्सिस है और एक्सिस के अलोंग इस पूरा कंडक्टर में करंट की वैल्यू को फाइंड करना है ठीक है मीन्स ये जो एक्सिस है यहाँ पर जो डिस्टेंस है या रेडियस है कंडक्टर का वो ज़ीरो हुआ और यहाँ तक आते आते उसका जो रेडियस है वो पूरा कंप्लीट आर हो गया ठीक है तो ये पूरा जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसके अराउंड आपको करंट फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू को फाइंड करना है ठीक है तो हम क्या सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर से एक छोटा सा रिंग हम कट कर लेते हैं ठीक है और उस रिंग को मैंने यहाँ पर ले लिया आर डिस्टेंस का एक रिंग कट कर लिया ठीक है और उसकी जो उसकी जो थिकनेस है दैट इज़ डी आर ओके नाउ इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी में जो रिलेशन होता है जे इक्वल टू डी आई बाई डी ए ठीक है और ये जो इक्वेशन है ये डिनोट करती है नॉन यूनिफॉर्म ठीक है जब करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो यहाँ पर भी आपको नॉन यूनिफॉर्म पहले कंसिडर करना है ठीक है तो यहाँ से करंट हुआ करंट की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है करंट हुआ जे इन डी ए ये जो डी आई करंट है ये इस रिंग के जो थिकनेस है बस इतना जो थिकनेस है उसके लिए करंट आप फाइंड कर रहे हैं बट आपको फाइंड करना है टोटल करंट इसमें काफ़ी सारी रिंग्स अगर आप कट कर लें तो टोटल करंट जो है, थ्रू दिस कंडक्टर ठीक है अलोंग दिस एक्सेस तो वहाँ पर करंट टोटल करंट फाइंड होगा इंटीग्रेशन से टोटल इंटीग्रेशन कर दे इस तरह के आप ऐसे रिंग कट कर लें सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए ओके और जे की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या है जे नॉट वन माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर हियर स्पॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर ठीक है एंड डी ए डी ए क्या है स्मॉल जो रिंग आपने लिया है इसका एरिया तो एरिया ऑफ रिंग क्या होता है टू पाई आर एल एल मीन्स लेंथ या यहाँ पर आप थिकनेस कंसिडर करेंगे सो डी आर ओके सो टू पाई आर इंटू डी आर हुआ ओके okay. बस इस सॉल्व करना है आपको आई इज इक्वल्स टू जो भी कॉन्सटेंट टर्म है इट इज टेकन आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन जे नॉट एंड टू पाई ओके हियर वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एंड हेयर आर इंटू डी आर यस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं आप इस पूरा रेडियस को लेना है आपको जीरो टू कैपिटल आर सो जीरो टू बाई जे नोट यहाँ आर से मल्टीप्लाई करेंगे सो आर माइनस आर क्यूब बाय आर स्क्वायर हुआ एंड हेयर डी आर इंटीग्रेशन करिए सो जे नोट यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा आर डी आर माइनस जीरो टू आर एंड आर क्यूब बाय आर स्क्वायर जीरो टू आर डी आर ओके टू पाई जे r हेयर आर इंटू डी आर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर स्क्वाई टू एंड लिमिट जीरो टू आर हेयर वन बाई आर स्क्वायर ये तो कांस्टेंट कॉन्स्टेंट हुआ ठीक है चेंज हो रहा है स्मॉल आर सो वन बाई आर स्क्वायर आपने बाहर ले लिया एंड आर की पावर फोर बाई फोर हुआ ठीक है इंटीग्रेशन हुआ जीरो टू आर ओके लिमिट फुट करिए टू बाई जे नोट यहाँ आर स्क्वायर बाई टू जीरो तो कैंसल आउट हो गया वन बाई आर स्क्वायर यहाँ आर की पावर फोर बाई फोर हुआ ठीक है ये स्क्वायर से फोर पावर कैंसिल आउट सो टू बाई जे नॉट यहाँ पर मैं इस तरह से इसे लिख दूँ टू आर स्क्वायर अपॉन फोर टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड एंड माइनस आर स्क्वायर बाई फोर अब देखिए एलसीएम डायरेक्टली फोर हो जाएगा सो टू पाई जे नॉट यहां टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सो आर स्क्वायर बाई फोर टू से टू फोर कैंसिल सो पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई टू हियर इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ करंट ओके ओके दिस इज डन फॉर टुडे अब नेक्स्ट क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर चर्चा करेंगे सो स्टेट्यून विथ एन पी थैंक यू सो मच